समस्तीपुर के बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने अफजाल और मुख्तार अंसारी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। पारसनाथ राय ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी एक आतंकवादी था, गाजीपुर ही नहीं देश विदेश में उसके तार आतंकवाद से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अपने आतंकवादी भाई की तुलना देश के शहीदों से करना अफजाल अंसारी को शोभा नहीं देता। अफजाल अंसारी ने अपनी भाई की तुलना शहीदों से कर दी कि आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तुलना एक आतंकवादी जो उनका भाई था, मैं मतलब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, पूरे गाजीपुर ही नहीं देश में विदेश के में तार जुड़े थे आतंकवाद से उस व्यक्ति के, ऐसे आतंकवादी की तुलना करना अपने भाई उन शहीदों से, वो चार बार विधायक रहे हैं, दो बार सांसद रहे हैं, जो एक बार रहता वो माननीय हो जाता है, उनको शोभा नहीं देता। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बरेलवी ने कहा कि कुछ नेता मुसलमानों को डरा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी चुनावी सभाओं में बार बार मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान न कभी खतरे में था, न आज खतरे में है और न भविष्य में आने वाले दिनों में मुसलमान खतरे में होगा। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा लाहिक